किसान जो आंदोलन कर रहे हैं या फिर उनका नाम दिया जा रहा है फार्मर प्रोटेस्ट विंडो, इसको कई लोग अलग अलग रूप से देख रहे हैं। यह है कि एक लीगल गारंटी हो एमएसपी पे और इस पर कानून बने या फिर सरकार इसको एक माने कि एक नियम के तहत लाए जिससे कि किसान खुशी खुशी वापस लौट जाए। क्या इस देश में एमएसपी पर लीगल गारंटी बन सकती है? अगर तार्किक रूप से और देश के आर्थिक विकास के लिए और किसानों के वेलफेयर के लिए यही एक रास्ता है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर सिर्फ एक यही रास्ता है तो हम चांद ताड़े तोड़ के भी लाके दे देंगे उनको। लेकिन एमएसपी पे कानून की बात कब कही गई है, कहां कही गई है, किसने कहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कहा उनका हमारे गजेटियर के माध्यम से कहा गया है उसमें एमएसपी को ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव करना है। ये बख्तरबंद गाड़ियों में किसान आते हैं क्या? ये तो उपद्रवी किसान है और एक राज्य के कुछ एक राजनीतिक दल से प्रेरित कुछ लोग हैं। देश 14 करोड़ 15 करोड़ किसानों का है और 30 करोड़ से भी ज्यादा सहकारिता के सदस्य हैं। देश बहुत बड़ा है, देश एक राज्य में सीमित नहीं है। एक राज्य के कुछ लोग अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को लड़ने झगड़ने के लिए इस प्रकार के किसानों का प्रयोग कर रहे हैं। एमएसपी कभी भी जो कानूनी गारंटी की बात कर रहे हैं वो अगर जरूरत होता तो हमारे साथ जो कमेटी बनी थी वो तीन संयुक्त किसान मोर्चा के लोग आते बैठते, हम उनसे बातचीत करते, उनको समझाते, तो ये तो संभव नहीं है। ये इस तरीके से उपद्रव मचा करके और कुछ भी कर लें ये संभव नहीं है। एमएसपी की लीगल गारंटी की बात कभी कही नहीं गई है। सर, एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर इतना बवाल क्यों सरकार पे? क्या आपको लगता है कि ये ज्यादा दबाव बनेगा अगर ये लीगल गारंटी होता है एमएसपी तो? देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं, इंटरनेशनल कार्टेल है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, $750 में जो एक्सपोर्ट करते थे बासमती राइस उनका कार्टेल है। ₹66 प्रति किलो आपको दिल्ली में चावल खाने के लिए मिलता है क्या बासमती? तो वो जिद्दा के एयरपोर्ट पे और पोर्ट पे और अमेरिका में वो कैसे पहुंच पाता है? तो जब मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $1200 करने की बात की गई तो फिर यही लोग अगेंस्ट क्यों थे? उसमें तो किसानों को और ज्यादा मिलता। एक पूरी मूल्य श्रृंखला है और उस पूरी मूल्य श्रृंखला में किसान कहीं पाया नहीं जाता है। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट 2006 में आई थी। 2006 का भारत और 2024 का भारत अलग है। हमको ये कमेटी से ऐसा बनाना है, ऐसी कृषि नीति बनानी है और ऐसे गांव की नीति, ऐसी कृषि की नीति और सहकारिता की नीति बनानी है जो 2075 तक वैलिड हो, जो विश्व में हम कहीं किसी कॉर्नर पे बैठे हैं वैसा नहीं हो, जिससे आर्थिक असमानताएं कमें। एक बिहार का किसान और एक पंजाब के किसान में इतनी असमानता क्यों है? 40,000 प्रति रुपया एक एकड़ का टेनेंसी रेट तो पंजाब का है, बिहार में 5,000 प्रति एकड़ भी नहीं मिल पाता है। महाराष्ट्र में देखें तो वो सिंचित जमीन है, वो 16,000 रुपये के आसपास, 12 से 16,000 रुपये प्रति एकड़ मिलता है। तो एक देश में एक एमएसपी इस तरीके से तो संभव ही नहीं है। वो A2+FL और 50% उसमें जो जोड़ के दिया जा रहा है वो तो ऑलरेडी दिया जा रहा है। तो जो स्वामीनाथन कमीशन में एक बात कही गई थी, जो 202 के आसपास उनके रिकमेंडेशन से 107 के आसपास तो मान ली गई है और उसके साथ में ये भी था कि कानूनी गारंटी तो छोड़ दीजिए, उस पर तो बात कही नहीं गई थी इस बात की, लेकिन एमएसपी पे 50% जोड़ के तो दिया जा रहा है। अब ये बात आती है सीटू की तो उस पर थोड़ा एक शोर मचाया हुआ है। तो कार्टेलाइजेशन है, हर जगह की जमीन अलग अलग है। हमारा देश विविध है, एकताओं में, विविधता में एकता वाला देश है। तो ये संभव नहीं है कि हम इस प्रकार से C2+ में 50 में इनसे बातचीत करें। और इनको तो समझ में नहीं आता एमएसपी एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। वो आए बैठे, मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर मैं उनके सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाया कमेटी के अंदर वो एक प्रजातांत्रिक तरीके से, तो मैं समिति से इस्तीफा दे दूंगा। मैं खुले खुले आपके माध्यम से बात कह रहा हूं, मैं समिति से इस्तीफा दे दूंगा। वो आए हमारे साथ, संयुक्त किसान मोर्चा का 3 नेम प्लेट रखा होता है, हमारी तो 30 से ज्यादा बैठकें हो गई है, हम लोग काफी उस पर मेहनत कर रहे हैं। संजय अग्रवाल जी हमारे कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो कहा था वो हम पूरा कर रहे हैं, अक्षरशः पालन कर रहे हैं और उससे भी कहीं आगे जा रहे हैं। जैसे नाफेड का ई समृद्धि पोर्टल है, पैक्स से अपेक्स की बात है, लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन वेयर हाउस है। क्या जरूरत है कि हम वही दिल्ली के आसपास एनसीआर के गोडाउंस में हमारा अनाज रखा जाए? पूरे भारत में वेयर हाउसेस नहीं हो सकते क्या? तो ये एक ड्रामा नाटक है और एक तरीके से देश को भटकाने वाली, देश को तोड़ने वाली बात है। आज का किसान जो एनर्जी जनरेटर है, आप देख रहे हैं बायोथेनॉल, जो जिस तरीके से मक्के से अभी इथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी और जो 5% तक अभी कंप्रेस्ड जो बायोगैस है, कंप्रेस्ड जो इथेनॉल है उसको हम एविएशन टर्बाइन फ्यूल में भी डाल रहे हैं। तो फार्मिंग सिर्फ सीड डालना और फसल काटना और एमएसपी लेना नहीं है, पूरा कल्चर है, ये पूरी राजनीति है, पूरी डिप्लोमेसी है। लेकिन ये देश के भले के लिए हो, किसान के भले के लिए हो, तब तो ठीक है।
अगर किसी राजनीतिक दल जो पूरे तरीके से राज्य को मानते ही नहीं है, जो ईडी को नहीं मानते हैं, जो रेवेन्यू सर्विसेज से होने के बाद भी रेवेन्यू के ऑफिसर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनके माध्यम से अगर वैसे लोग बख्तरबंद गाड़ियों में आए, कोई किसान अपना ट्रैक्टर कभी बख्तरबंद गाड़ियों की जैसा टर्न करवाता है क्या, बनवाता है क्या? ये तो कुछ एक लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल है, वो ये काम करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं।